देश में कोरोना के केसेस में लगातार कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 2,10,000 नए मरीज सामने आए। कल से करीब 25,000 कम है केस, लेकिन बड़ा मौत का आंकड़ा 950 से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना केस घटे, लेकिन मौत के आंकड़ों में कमी नहीं। 24 घंटे में 3,674 नए संक्रमितों की पुष्टि, 30 लोगों की मौत। संक्रमण दर घटकर 6.37% हुई। दक्षिण भारत में कहर बरपा रहा है कोरोना। एक दिन में केरल में 51,500 से ज्यादा मरीज, कर्नाटक में 33,000 और तमिलनाडु में 24,000 से ज्यादा केस सामने आए। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार जारी। 1,67,00,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। देश की 75% से ज्यादा आबादी को मिली वैक्सीन की दोनों डोज। एमपी के उज्जैन में टूटे कोरोना के सारे नियम। लोकोड़ा गांव में एक मृत्यु भोज के दौरान हजारों की संख्या में जुटे लोग, बेकाबू भीड़ ने गेट तक तोड़ डाला। वीडियो हुआ वायरल। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,160 नए मामले सामने आए। 2,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 10 लोगों की मौत। मुंबई में होटल व्यापारियों की बड़ी परेशानी। कोरोना केस कम होने के बाद होटल व्यवसाय में नहीं दी गई ढील, जिससे व्यापारियों को हो रहा है नुकसान। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की सेहत में धीरे धीरे सुधार। अब वेंटिलेटर पर नहीं है दीदी, हालांकि अभी आईसीयू में रखा गया है। संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। कल 1 फरवरी को बजट पेश होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से आज बजट सत्र की शुरुआत होगी। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लोकसभा और दोपहर 2:30 बजे राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले मीडिया को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। थोड़ी देर में संसद परिसर में बजट सत्र को लेकर कर सकते हैं विपक्ष से अपील। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। पेगासस, एयर इंडिया और चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। पेगासस मुद्दे को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की मांग की। इसराइल से पेगासस डील के दावे पर रक्षा मंत्री बोले, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है जांच। विपक्ष लगातार मांग रहा है सरकार से जवाब। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना रखी है। बजट को लेकर असम की महिलाओं की वित्त मंत्री से महंगाई घटाने की अपील। राशन और सब्जियों के दाम कम करने की मांग कर रही है डिब्रूगढ़ की महिलाएं। वो भी महंगी होती जा रही है कि हमारी खाद्य सामग्री को थोड़ा सा दाम उसको ठीक किया जाए। एक तो ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काफी ही अच्छा रहेगा। कल पेश हो रहे बजट से देश के लोगों को उम्मीद। कोरोना काल में हटाई गई सुविधाएं फिर हों बहाल। रेल किराया ना बढ़े, रेलवे का निजीकरण रोकना चाहते हैं पटना के। प्राइवेट स्टेशन खत्म किया जाए, जरा गौर कीजिए। सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो उन लोग पार्टियां अपने सवाल उठाने के लिए कहां लाएगी फायदा। बजट से पहले मुंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स ने लगाई छलांग। सुबह 700 से ज्यादा अंकों का उछाल। 58,000 के करीब पहुंचा सेंसेक्स। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पूरे यूपी में 98 जगह पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई। लखनऊ में भी बड़ी तैयारी। हापुड़ में योगी ने मुजफ्फरनगर दंगों की दिलाई याद। एसपी पर साधा निशाना, बोले अखिलेश देते थे दंगाइयों को संरक्षण। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगरा में घर घर प्रचार, मतदाताओं को भी करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दोपहर 1 बजे मैनपुरी की करहल सीट से भरेंगे पर्चा, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। एबीपी न्यूज पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जिन्होंने 4.5 साल कोई काम न किया हो, 5 साल पूरा मौका मिला, दिल्ली की सरकार का सहयोग मिला, उसके बाद उत्तर प्रदेश का हालत क्या है। बात नहीं बनी तो जयंत चौधरी पर हमलावर हुई बीजेपी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा लोग उन्हें लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं। जयंत जी के बारे में जितना कम कहे अच्छा, बच्चे हैं, अभी अभी मैदान पे आए हैं, पिता कितने बार दल बदल कर चुके हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। बुलंदशहर में वन विभाग के इंस्पेक्टर अजीत भड़ाना ने भरी सभा में उतारी वर्दी, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी के नेताओं पर लगाया धमकाकर वोट मांगने का। गंभीर परिणाम भुगतने बैठेंगे, मका जी गंभीर परिणाम भुगत लेंगे। इसी बात से प्रताड़ित होकर मैंने जो है आज रिजाइन कर दिया। अब इन्हें बीजेपी वालों को जो कुछ मेरा बिगाड़ना बिगाड़ लें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज नोएडा में करेंगी कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार, दोपहर 1 बजे के करीब नोएडा पहुंचेंगी। यूपी चुनाव में कांग्रेस का नया दांव, चुनाव में समर्थन के लिए 1 करोड़ महिलाओं को पत्र भेजेंगी प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, अयोध्या से रीता मौर्य को टिकट दिया। यूपी के मेरठ में कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा ने प्रचार के दौरान दिया विवादित बयान, विरोधियों पर साधा। यूपी में आजम खान के बेटे और स्वार सीट से एसपी के उम्मीदवार अब्दुल्ला का आरोप, कहा मेरा पीछा किया जा रहा है, बीजेपी के उम्मीदवार मुझे मारने के लिए रच रहे हैं साजिश। संयुक्त किसान मोर्चा आज विश्वासघात दिवस मनाएगा, हर जिले में डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने वाराणसी में घर घर जाकर किया प्रचार, लोगों से मांगे वोट, पटेल की पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। यूपी के बुलंदशहर सदर सीट से प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने प्रचार के दौरान की कोरोना नियमों की अनदेखी, बिना मास्क लगाए ठुमके। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज भदौड़ से नामांकन दाखिल करेंगे, भदौड़ के अलावा चमकौर साहिब से भी चुनाव लड़ेंगे चन्नी, एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज पटियाला से भरेंगे पर्चा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज जलालाबाद सीट से भरेंगे पर्चा, चन्नी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर कहा चमकौर साहिब में लोगों के रुख से डर गए। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने सीएम चन्नी पर साधा निशाना, कहा मैंने पहले ही कहा था चमकौर साहिब से चन्नी हार रही है, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मतलब सर्वे सच है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एबीपी न्यूज से कहा कांग्रेस में सिद्धू की चल रही है, चन्नी के भाई तक को टिकट नहीं दिया, मजीठिया के खिलाफ साजिश रची गई। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई यूपी की विधायक अदिति सिंह के पति को पंजाब में झटका, अदिति के पति अंगद सिंह का कांग्रेस ने नवाज शंकर से टिकट काटा। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ड्रग्स केस में गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर मजीठिया ने दाखिल की है अर्जी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।